दोस्तों देखिए, मेरे रैबिट के मुंह में लार निकल रही है और लार निकलने के कारण इसकी हालत कैसी हो गई है। लार लगातार 4 दिन से निकल रही थी, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, मुझे पता नहीं था। तो अभी देखिए, इसके बाल भी थोड़े जा चुके हैं मुंह के आसपास के, ये देखिए गर्दन तक। ये देखिए हालत, मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, माउथ इन्फेक्शन है ये। तो इसके लिए इसके मुंह में छाले हो गए हैं, उस वजह से मुंह से लगातार लार आ रही थी। अभी बंद हो गई है क्योंकि मैंने इसको घरेलू उपचार किया है इसका। इसको कल मैंने 3 से 4 टाइम नमक मुंह में इसके डाला ताकि इसके छाले जो है वो फूट जाएं, और इसका जो आसपास का एरिया है वो मैंने डिटॉल लिक्विड डाल के पानी में सूखे कपड़े से साफ़ किया। तो उस वजह से आज ये थोड़ा ठीक है, और ये लगातार मैं 3-4 दिन करूँगा तो शायद ये ठीक हो जाएगा। इसके लिए आप आसपास की साफ़ सफाई रखें और इसका मुंह लगातार आप साफ़ करते रहें, जितनी बार भी ये गंदा होता है। अभी इसकी लार रुक चुकी है, एक ही दिन में इसकी लार रुक गई है, और ये जो हालत है ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। ये लार के कारण ये देखिए ये बाल चिपके हुए हैं। अगर नॉर्मल पानी का होता तो सूख के नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन ये लार का है इसलिए चिपचिपाहट ज़्यादा है इसमें, ये देखिए। लेकिन अभी ये खा पी अच्छे से रहा है क्योंकि मैंने कल से इसका उपचार कर रहा हूँ, साफ़ सफाई टाइम पे कर रहा हूँ, और इनका केज जो है वो भी मैंने एकदम क्लियर रखा है। ये मेरा छोटे वाला रैबिट है और इसका भी सेम हाल हुआ है, इसके बाल तो काफ़ी हद तक जा चुके हैं। तो कल से तो काफ़ी ठीक है, जैसे ही मैंने इसकी साफ़ सफाई की आसपास की डिटॉल से और अंदर मुँह के 2 या 3 टाइम नमक डाला, तो अभी ठीक है, अभी खा पी भी रहा है। और पिंजरे की भी मैंने काफ़ी अच्छे से साफ़ सफाई रखी है। तो ये माउथ इन्फेक्शन है, तो आपके भी रैबिट को अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है तो आप अपने आसपास की ये जहाँ भी ये रहता है वहाँ की साफ़ सफाई अच्छे से करें, और ये प्रॉब्लम होने के बाद आप इसके मुंह की सफाई करें। गीला नहीं करना है इसे, डिटॉल लिक्विड डालकर उसकी सफाई करें ताकि इन्फेक्शन ना रहे, और मुँह के अंदर जो है दिन में 3 से 4 टाइम नमक डालें ताकि अंदर के छाले फूट जाएँ। तो आपका रैबिट जो है वो 3 से 4 दिन में ठीक हो जाएगा। ये देखिए 1 दिन मैंने किया था और अभी ये थोड़ा ठीक हो गया है, खा पी रहा है। और ये छोटे वाला है, इसका भी सेम प्रॉब्लम हुआ था, ये एकदम उदास हो गया था, और अभी देखिए अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, ये देखिए खा पी भी रहा है। देखिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ, इसका मुँह जो नीचे वाला हिस्सा है वो गीला हो रखा है और साइड वाला हिस्सा भी काफ़ी गीला हुआ है, ये देखिए। तो 3 से 4 दिन आप इसको साफ़ कीजिए, और प्लस में जो नमक है इसके मुंह में डालते रहिए दिन में 3 से 4 टाइम, ये देखिए कितना गीला हुआ है। तो आपका रैबिट तकरीबन 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो इसकी कोई दवा नहीं बनी है, लेकिन हाँ इसके पेट में जो गर्मी है एंटीबायोटिक वगैरह आप दे सकते हैं। और ये देखिए छोटे वाला है, ये इसकी अभी लार आना बंद हो गई है।